एक ही स्टेम से आप पूरा गमला उगा सकते हैं। हाय फ्रेंड्स, देखिए ये मेरा पेनीवॉर्ट का प्लांट है, ये दो गमले में है। अभी मॉनसून की सीज़न है तो उसमें ये बहुत ही अच्छे से ग्रो होता है। मैंने बारिश के पानी इसके ऊपर डायरेक्ट आ जाए ऐसे रखा था, तो देखिए ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो हो गया है। इसके जो पत्ते हैं वो एकदम पतले से होते हैं और ये कॉइन जैसा दिखता है इसका पत्ता, तो उसको आप कॉइन प्लांट भी बोलते हैं। और ये पेनीवॉर्ट का पौधा है, आप इजीली ग्रो कर सकते हैं, आप एक स्टेम से भी उसको ग्रो कर सकते हैं। देखिए इस तरह से ये जाली जैसा बनता है, ये गोल गोल अपने से जाली जैसा बनाता है और ये इजीली ग्रो हो सकता है। आप एक ही ये स्टेम लगाएंगे तो इसमें से ये पूरा गमला आपका भरा हुआ तैयार हो जाता है। उसको आप डायरेक्ट सनलाइट में नहीं, बहुत कड़ी धूप को तो नहीं रखना है, इनडायरेक्ट सनलाइट में आप रखिए तो बहुत अच्छे से वो ग्रो होगा। उसके जो ये आपको मिट्टी ऊपर की मिट्टी है वो उसको सूखने नहीं चाहिए, हमेशा इसकी मिट्टी को आपको गीला रखना है। तो ये आप पानी में भी उगा सकते हैं और ऐसे ये सॉइल में भी ग्रो करता है। देखिए यहाँ से मैं एक स्टेम ले लूँगी, देखिए इस तरह से हमको एक अच्छा सा स्टेम निकालना है। देखिए ये मैंने निकाली हुई है ये स्टेम, देखिए इसको हम यहाँ से काट लेंगे। ये यहाँ से जहाँ से पत्ती निकलती है वहाँ वहाँ उसकी जड़ें हैं, देखिए। तो आपको ये जो जड़ वाली जो स्टेम है उसको ही निकालना है आपको। मैंने ये सॉइल लिए, इसमें मैंने गार्डन सॉइल है, वर्मी कंपोस्ट है, थोड़ा सा रेती है और थोड़ा सा मैंने कोकोपीट डाला है। इस तरह से हमको ये जो स्टेम है उसको हमको अंदर डालना है कि इस अंदर की तरह रखना है, हल्के से उसको थोड़ी सी मिट्टी को आपको दबा देना है, इस तरह से जो उसके रूट्स है उसके ऊपर आपको मिट्टी लगा देनी है। सॉइल में ज़्यादा अंदर तक नहीं डालना है, बस ऊपर ही डालना है, तो ये अच्छी तरह से ग्रो हो जाएगी। अभी ये मैंने वाटर में भी लगाया था, इसी तरह से मैंने एक स्टेम जो रूट वाली थी उसको लेकर मैंने ऐसे ही पानी में रख दिया था। ये इजीली ग्रो हो जाती है, वाटर में भी आप इसको ग्रो कर सकते हैं। ये वाटर वाला जो गमला है वो आपको डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखना है, आपकी जो विंडो हो उसमें आपका जो धूप अच्छी तरह से आती हो वहाँ भी आप इसको रख सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा पानी नहीं चाहिए, पानी तो उसको पसंद है लेकिन जब ऊपर की लेयर मिट्टी गीली होनी चाहिए, तो सूखी हो तभी आपको पानी डालना है और इसको बहुत कड़ी धूप में नहीं रखना है। ये पूरे साल इजीली ग्रो होता है और बहुत ही अच्छी तरह से, ये इतना सुंदर प्लांट दिखता है और इसको हम लकी प्लांट भी मानते हैं, ये चाइनीज़ मनी प्लांट इसको बोलते हैं और पेनीवॉर्ट इसका नाम है और आप उसको डॉलर प्लांट भी बोलते हैं। तो आप भी लगाइए, जो लोग बहुत टाइम नहीं है गमले या प्लांट्स के लिए उनके पास, तो वो भी इसको इजीली ग्रो कर सकते हैं। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, थैंक यू। ये इसका फूल बोलते हैं, तरह से मेरे प्लांट में फ्लावर्स भी आए हैं।